महंगी फीसों वाले स्कूल्स की गैर मयारी, नाकिस और गलत मालूमात से भरपूर 100 कुतुब पर पाबंदी। पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने किताबों पर पाबंदी। पाकिस्तान, कायद-ए-आज़म, इलामा इकबाल, कश्मीर, पाक भारत तालुकात के हवाले से गलत मालूमात दर्ज होने पर लगाई। एमडी टेक्स्ट बुक बोर्ड राय मंजूर ने बगैर इजाजत निसाब तरतीब देने पर सख्त वार्निंग जारी कर दी। बड़े स्कूलों की किताबें बता रही हैं कि कायदे आजम की पैदाइश का साल 1974 है। इलामा इकबाल अक्टूबर में पैदा हुए। वर्ल्ड मैप कश्मीर को भारत का हिस्सा दिखा रहा है। पाकिस्तान की गलत तस्वीर पेश की जा रही है। क्वालिटी एजुकेशन के दावेदारों की निसाबी कुतुब संगीन गलतियों से भरपूर। एमडी पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने पर्दाफाश कर दिया। बोले निसाबी कुतुब में कायद की जगह गांधी के अखबार शामिल है। मजीद कहा, मर्दमशुमारी 2017 में हुई और ये पढ़ा रहे हैं आखिरी मर्दमशुमारी 2006 में हुई। आदादोशुमार का गोरख धंधा, नेपरा का शहरियों से अनोखा तमाशा। नवंबर 2019 से मार्च 2020 तक फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 4.86 रुपए फी यूनिट की अगस्त के बिलों में वसूली। अप्रैल से जून एडजस्टमेंट की मद में 3.09 रुपए फी यूनिट का रिलीफ सितंबर में मिलेगा। सेहत सहूलियात में इजाफे के लिए 800 बिस्तरों पर मुश्तमिल टीचिंग अस्पताल बनाने का फैसला। पंजाब यूनिवर्सिटी की अराजी पर बनाया जाने वाला अस्पताल यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज मंसूबे का हिस्सा होगा। अस्पताल की तामीर पर 8 अरब लागत का तखमीना। अस्पताल में 200 बिस्तर कार्डियोलॉजी के लिए मुख्तस होंगे। स्पेशलाइज्ड हेल्थ डिपार्टमेंट ने काम का आगाज कर दिया। ड्रैब की नई मंतक सामने आ गई। डॉक्टर्स पर हर्बल मेडिसिन, फूड सप्लीमेंट, कॉस्मेटिक्स लिखने पर पाबंदी। डॉक्टर्स मरीज को चेक करते वक्त कोई फूड सप्लीमेंट तजवीज नहीं कर सकेंगे। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने पाबंदी का मरासा जारी कर दिया। मॉनसून में लाहौर वीनस बन जाएगा। स्पेशल ब्रांच ने वजीर आला पंजाब को आगाह कर दिया। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट के मुताबिक शहर में सफाई के नाकिस इंतजामात, नालों की सफाई नहीं हो सकी। नालों की गंदगी पानी के निकास में बड़ी रुकावट होगी। पानी ना निकला तो गली गली मोहल्ला मोहल्ला पानी में डूब जाएगा। ईद पर शहर से आलाइशें उठाने और सफाई सुथराई की तैयारियों को धचका। ईद से कबल MDLWMC को तब्दील कर दिया गया। राव असलम OST बना दिए गए। शाहजेब हुसैन को LWMC के मैनेजिंग डायरेक्टर का इजाफी चार्ज मिल गया। 2 साल में LWMC के 4 MD फारिग किए गए। ईद के करीब सब्जी के मुनाफा खोर छा गए। सरकारी नेकनामा नजरअंदाज करके मनमाने रेट मुकर्रर। प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक समेत बेशतर सब्जियों की कीमत में होशुबा इजाफा। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट फील्ड से गायब। रेट सुनकर शहरियों के औसान खता। सरकारी निर्खों के नफास का मुतालिबा। महंगाई से सताई अवाम के लिए एक और बुरी खबर। लाहौर आटा चक्की ओनर्स एसोसिएशन ने चक्की के आटे की कीमत में मजीद 2 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया। फी किलो कीमत 70 रुपए मुकर्रर कर दी गई। जनरल सेक्रेटरी आटा चक्की ओनर्स एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रहमान कहते हैं, गंदम की कीमत 2300 रुपए फी मन तक जा पहुंची है, जिसके बायस आटा चक्की मालिका ने आटे की कीमत में इजाफा किया। गोल्ड मार्केट में तारीखी तेजी का सिलसिला जारी। सोने की कीमत में 2300 रुपए फी तोले का इजाफा। 24 कैरेट की कीमत मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,17,300 रुपए पर। 22 कैरेट की कीमत 1,07,000 हो गई। ताजिरों का हफ्ते में 7 रोज 24 घंटे कारोबार खोलने का मुतालबा। अंजुमन ताजरान लाहौर और चुंगी अमर सद्दू की मुख्तलिफ ताजिर तंजीमों की प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली। हुकूमती इजाजत ना मिलने पर खुद से दुकानें खोलने का ऐलान। जबकि ताजिर रहनुमा मकसूद भट्ट और खालिद परवेज की साथियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं ताजिर SOPs के मुताबिक काम कर रहे हैं, हुकूमत हफ्तावार छुट्टियां खत्म करे। उधर अंजुमन ताजरान नई मीर ग्रुप के कायदीन ने भी ईद-उल-अज़हा से कबल 7 दिन 24 घंटे मार्केट खोलने और हफ्ते की छुट्टी खत्म करने का मुतालबा कर दिया। थिएटर फनकारों का ईद पर थिएटर्स ना खोलने पर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। कमीजें उतारकर और हाथों में कुतबे उठाकर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। फनकारों का ऑपोजिशन जमातों से भी गिला। कहते हैं 4 माह से बेरोजगार है, किसी ने उनका हाल नहीं पूछा।
माली बहरान की शिकार पंजाब हुकूमत अखराजात कंट्रोल करने के लिए सरगर्म। सफाई कंपनी की मॉनिटरिंग करने वाले 70 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन मुद्दत पूरी होने से कबल ही फारिग कर दिए गए। मुलाजमतों से बरतरफ होने वालों को ईद के करीब घरेलू अखराजात की फिक्र लाहक। हुकूमत से बहाली का मुतालबा। उधर बासा के वर्क चार्ज मुलाजमीन का हेड ऑफिस के बाहर एहतजाज। इंतजामिया पर मुलाजमतों से बरतरफी और कई माह की तनख्वाह अदा न करने का इल्जाम। उस्ताद के मनसब की हरकत हुरमत पामाल करने वाले जिनसी दरिंदों की शामत आ गई। तालीमी इदारों में तालिबात को जिनसी हिरासा करने वाले भेड़ियों के खिलाफ स्कूल एजुकेशन ने कानून का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। जुर्म साबित होने पर जुर्माना, ताहजात पाबंदी और कैद की सजा भुगतना पड़ेगी। 11,000 एजुकेटर्स और असिस्टेंट एजुकेशन अफसरान के लिए खुशखबरी। वजीर आला ने बगैर इंटरव्यू मुस्तकिली के लिए भेजी समरी मंजूर कर ली। उस्मान गुजार की फौरी कानून साजी के लिए मुतल्लिका महकमे को हिदायत जारी। लॉकडाउन के सबब पंजाब यूनिवर्सिटी का फीसों में कटौती का फैसला। शोभा जात को तुलबा से सिर्फ ट्यूशन फीस वसूल करने की हिदायत। यूनिवर्सिटी के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने हिदायत जारी कर दी। थाना मनामा में जेर हिरासत मुल्जिम की हिलाकत का नोटिस। साईजी पंजाब ने CCPO से रिपोर्ट तलब कर ली। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मुल्जिम मुश्ताक हार्ट अटैक के बाइस शाम बहक हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हकायक वासे होंगे। पुलिस फंड्स में करोड़ों रुपए की खुदबुर्द का मामला। मारूफ स्टेज अदाकारा महानूर के शौहर को एंटी करप्शन ने गिरफ्तार कर लिया। महानूर का शौहर इफ्तिखार अहमद DPO साहिवाल का अकाउंटेंट था। इफ्तिखार अहमद के खिलाफ एंटी करप्शन हेडक्वार्टर और साहिवाल में दो मुकदमात हैं। मियां शहबाज शरीफ की लाहौर हाईकोर्ट में अबूरी जमानत की दरखास्त। मियां शहबाज शरीफ की जानिब से अमजद परवेज एडवोकेट पेश हुए, ताहम उनके सीनियर वकील आजम नजीर तारड़ पेश न हुए। अदालत ने बुरी जमानत में 17 अगस्त तक तौसी कर दी, जबकि जस्टिस शहराम सरवर ने वकील आजम तारड़ से ताल्लुक की बिना पर समाज से माजरत कर ली, जिससे बेंच तहलील हो गया। उधर मियां शहबाज शरीफ की हाईकोर्ट पेशी पर मीडिया टॉक। बोले, हुकूमत सियासी इंतकाम का निशाना बना रही है। ईद के बाद अपोजिशन की APC बुलाएंगे। LWMC के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल न करने का केस। हाईकोर्ट ने मुलाजमीन की बरतरफी ताहुक्मे साने रोक दी। सफाई कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी का हुक्म जारी किया गया। पंजाब असेंबली इजलास में तहफ्फुज़े बुनियादी इस्लाम बिल मंजूर। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ खातिमुन्नबीयीन लिखना लाजमी हो गया। खिलाफ वर्जी पर 5 साल कैद और 5 लाख जुर्माना होगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने तहफ्फुज़े बुनियादी इस्लाम बिल की मंजूरी को तारीखी करार दे दिया। बिल मंजूरी पर स्पीकर परवेज इलाही और अराकीन असेंबली को मुबारकबाद। जबकि असेंबली इजलास में वज़ीर सेहत ने स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का देही इलाकों में ड्यूटियां करने से इनकार का एतराफ कर लिया। अपोजिशन के लिए हुकूमत गिराना नामुमकिन है। अपोजिशन जो मर्जी करे, हम 5 साल पूरे करेंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का तकरीब से खिताब। बोले, अपोजिशन को मुल्क आगे ले जाने पर फोकस करना चाहिए। मजीद कहा, वजीर आजम को वजीर आला पर पूरा एतमाद है, हमारे इत्तेहादियों को भी वजीर आला पर एतमाद है। मलाला फाउंडेशन ने तालीमाबाद प्रोजेक्ट में हुकूमत को सपोर्ट फराहम की। पाकिस्तान में तालीमी असलाहत पर काम कर रहे हैं। मलाला यूसुफ़ज़ई का यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के तुलबा से वर्चुअल खिताब। कहा, लड़कियों को तालीम के मौके फराहम करना बड़ा चैलेंज है। तुलबा मुल्क की तरक्की के लिए किरदार अदा करें। वज़रा और हुकूमती अरकान असेंबली के हलकों में तरक्याती मंसूबों के लिए सिफारिशात मंजूर। हुकूमती हलकों में स्पोर्ट्स सहूलियात पर खुसूसी तवज्जो देने की तजवीज़। वजीर, मुशीर और हुकूमती रुकन के हलके में प्ले ग्राउंड और स्टेडियम तामीर किया जाएगा, जबकि हुकूमती अखराजात की निगरानी, जायजे और मुहासबे के लिए पब्लिक अकाउंट कमेटी बंद और थ्री का क्याम तहाल मुमकिन न हो सका। कमेटियां तश्कील न पाने से लातादाद ऑडिट पैराज से इल्तिबा का शिकार। सूबाई वजीर सेहत की जेर सदारत कैबिनेट कमेटी ब्राय इंसदादे डेंगू का इजलास। कमिश्नर्स और डेप्टी कमिश्नर्स को डेंगू की रोकथाम के इकदाम की खुद निगरानी करने की हिदायत। तमाम सरकारी और प्राइवेट लेबॉरेटरी से डेंगू के मरीजों का डेटा हासिल करने, सर्विलेंस टीमों को डेंगू लार्वा के तदारुक के लिए मौसर कार्रवाई करने का हुक्म। तो
प्राइवेट स्कूल मालिकान ने 15 अगस्त से स्कूल खुलवाने के लिए लाहौर चैंबर से मदद मांग ली। पाकिस्तान एजुकेशन काउंसिल फॉर प्राइवेट स्कूल्स के वफ की सदर चैंबर इरफान इकबाल शेख से मुलाकात। स्कूल खुलने पर SOPs पर भरपूर अमल दरामद की यकीन दहानी। गुलबर्ग में नौजवान तख्लीकारों और मुसव्विरों के फनपारों की नुमाइश। नुमाइश में पाकिस्तान के 90 फनकारों ने अपने फन के नमूने पेश किए। हर फनकार ने अपने ख्यालात को कर्तास पर रंगों से मुजस्सिम कर डाला। और डोमेस्टिक क्रिकेट टीमों की सिलेक्शन पर मुशावरत। नए फॉर्मेट के तहत फर्स्ट क्लास सीजन में टीमों के इंतखाबात के लिए 3 मुख्तलिफ तजावीज पर गौर। मुंतजमीन ने फर्स्ट और सेकेंड 11 टीमों की गुज़श्ता कारकर्दगी का जायजा लेना शुरू कर दिया।